सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि दिसंबर 2019 को पास हुआ था। इस पर्टिकुलर एक्ट ने एक मेजर हिस्टोरिक एक्ट को चेंज किया है, उसमें अमेंडमेंट लाया है। 17th लोकसभा ने जब ये एक्ट पास किया तो हमने नेशन वाइड प्रोटेस्ट नोटिस किए। इट हैज़ आल्सो चैलेंज्ड द कोर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस नाउ टू नो व्हाट एग्जैक्टली CAA इज एंड व्हाट ऑल थिंग्स इट इंक्लूड्स। So without any delay, let us begin. So to begin with, सबसे पहले जान लेते हैं CAA होता क्या है। CAA stands for Citizenship Amendment Act. इसको पहले CAB के नाम से जाना जाता था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ये बिल लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट दे दिया था, इसलिए अब ये एक्ट बन चुका है। और अमेंडमेंट के नाम से ही हम जान सकते हैं कि ये पहले कोई और एक्ट था और अब उसमें अमेंडमेंट लाया गया है। अमेंडमेंट मीन्स कुछ ऐड या कुछ डिलीट किया गया है। तो इसका रूट पेरेंट एक्ट कौन सा था? तो उसका पेरेंट एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें मेजरली ये बात होती थी कि इंडियन सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जाए। इसमें थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख ले, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या कहा गया था। तो दीज आर सम मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। नेचुरलाइजेशन से होता है, डिसेंट से होता है, बर्थ और रजिस्ट्रेशन से। एक और फिफ्थ फैक्टर है जो है एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरी। अगर इन केस फ्यूचर में इंडिया की टेरिटरी पाकिस्तान में कहीं एक्सटेंड होती है तो उस पर्टिकुलर रीजन के लोग इंडियन सिटीजन्स बन जाएंगे। तो दिस इज़ फिफ्थ वन, एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरी। बाकी ये चार मेथड्स हैं जिससे इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया जाता है। अब वापस से आते हैं CAA पे। CAA का बेसिक इंटेंशन, बेसिक एम ये था टू गिव इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। मतलब इंडियन सिटीजनशिप को प्रोवाइड करना कुछ माइनॉरिटीज जिनके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा था या तो उनकी इनह्यूमेन कंडीशंस थी उनके कंट्रीज़ में। तो हम क्राइटेरियाज़ देख लेते हैं कि कौन कौन से माइनॉरिटीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले तो इनको रिलीजन के बेसिस पे कैटेगराइज किया है। इन 6 कैटेगरी की रिलीजन को इनवाइट किया गया है एंड दे इंक्लूड हिंदूस, सिक्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। और वो इन तीनों कंट्री से माइग्रेट करके आने चाहिए, दैट इज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। और 31st December 2014 से पहले पहले वो माइग्रेट कर जाने चाहिए। अगर कोई भी इमिग्रेंट इंडिया में आ रहा है विथ दीज कैटेगरीज और दीज स्पेशल प्रोविजंस, तो उनके लिए इंडियन सिटीजनशिप को अवेल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल इमिग्रेंट्स। इवन अगर उनके पास वैलिड पासपोर्ट या वैलिड डॉक्यूमेंटेशन ना हो, फिर भी दे विल बी प्रोवाइडेड विद इंडियन सिटीजनशिप। ओके, और आगे देखते हैं। इट हैज़ ईजेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेजिडेंस इन इंडिया। कैसे ईज किया गया है? जैसे सिटीजनशिप को नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से एक्वायर किया जाता था। अगर कोई फॉरेन सिटीजन है वो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता था, लेकिन उसके लिए कंडीशंस थी कि उनको इंडिया में 11 साल बिताने पड़ रहे थे। ये मिनिमम क्राइटेरिया था टू अवेल इंडियन सिटीजनशिप, बट उसको ईजी करके अब कर दिया गया है 5 years। मतलब अगर आप अब 5 साल इंडिया में रह रहे हो तो यू विल बी प्रोवाइडेड विथ इंडियन सिटीजनशिप। लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस हैं इनर लाइन परमिट और 6th शेड्यूल। ये 5th नहीं है, यहाँ पे 6th शेड्यूल आ जाएगा। ओके, PDF में इसको करेक्ट करके भेज दिया जाएगा।
ओके, सबसे पहले इनर लाइन परमिट की बात करते हैं। ये क्या होता है? इनर लाइन परमिट एक स्पेशल सर्टिफिकेशन होता है, स्पेशल सर्टिफिकेशन जिसके लिए इवन इंडियंस नीड स्पेशल परमिशन टू एंटर इन अ स्टेट प्रोटेक्टेड बाय आईएलपी रेजीम। मतलब कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आईएलपी से प्रोटेक्ट किया गया है ताकि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। उन एरियाज़ में खुद जो एक्चुअल इंडियन सिटीज़न होते हैं वो भी एंटर नहीं कर पाते विदाउट एनी स्पेशल परमिशन। तो उन वो स्टेट कौन कौन से हैं? तो स्टेट्स आर मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इनको इनर लाइन परमिट दिया गया है। तो जो भी माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं इंडिया में थ्रू CAA 2019, उनको इन इनर लाइन परमिट एरियाज़ में जाने के लिए बिल्कुल अलाव नहीं करेंगे। एंड सेकेंड एक्सेप्शन इज सिक्स्थ शेड्यूल। ओके, दिस इज सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल बेसिकली क्या है? दे आर स्पेशल प्रोविजन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं? दे आर आसाम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो इनके जो ऑटोनॉमिक काउंसिल्स हैं उनमें भी इन इमिग्रेंट्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, तो पॉइंट्स इन फेवर, जो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट किया है कि ये एक्ट पर्टिकुलरली उन्होंने क्यों लाया है। तो दे हैव सेड दैट दिस अमेंडमेंट विल बी बेनिफिशियल फॉर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो भी एनराइज होते हैं वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इंडियन सिटीजनशिप अवेल करना। तो इस एक्ट के थ्रू हमारे जो इंडियन ओरिजिन पीपल हैं उनको सिटीजनशिप आराम से मिल सकती है। सेकेंड इज इट विल गिव शेल्टर टू विक्टिम्स ऑफ पार्टीशन। जब भी पार्टीशन हुआ था 1947 में, उसके बाद 1971 में, जिसमें बहुत सारे बंगालीज बांग्लादेश में ट्रांसफ़र हो गए थे, तो देर आर सो मैनी विक्टिम्स ऑफ पार्टीशन जिनके साथ इस एक्ट के थ्रू जस्टिस हो पाएगा। एंड अगैन इंडिया विल बी रिप्रजेंटेड एज सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी बाई सेविंग पीपल फेसिंग पर्सिक्यूशन। इंडिया की इमेज हमेशा एज अ सेवियर रही है, एक आइडल ऑफ ह्यूमैनिटी रहा है, कि खुद डेवलपिंग नेशन होते हुए भी हमेशा आस पास वालों के बारे में सोचता है। तो इस बार भी इंडिया की इमेज एज अ सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी आई है अक्रॉस द ग्लोब। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स थे, लेकिन ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट हमने देखे थे, तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इतना प्रोटेस्ट देखा गया था? तो वेरी फर्स्ट इज इट वायोलेट आसाम एकॉर्ड 1985। अब ये आसाम एकॉर्ड क्या था? आसाम एकॉर्ड के अकॉर्डिंग इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशंस को रोका जा रहा था और उसमें कहीं भी रिलीजन की बात नहीं की थी। बिफोर मार्च 24, 1971 जो भी इलीगली आसाम में आ गए थे फ्रॉम बांग्लादेश उनके डेपोटेशन की बात चल रही थी आसाम एकॉर्ड में, ठीक है। तो इतनी मेहनत आसाम एकॉर्ड में लगी थी, लेकिन CAA वापस से इन सबको न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो इट एक्चुअली वायलेट्स आसाम एकॉर्ड। देन इट ऑल्सो वायलेट्स NRC। NRC इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इस ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इसको भी एक्सप्लेन करना होगा, तो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर NRC। इट ऑल्सो वायलेट्स आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जैसे हम सब जानते हैं फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। कौन से फंडामेंटल राइट में? राइट टू इक्वालिटी में। एंड फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के कोर को ही चैलेंज कर रहा है तो दिस इज समथिंग इलीगल विच इज़ हैपनिंग इन आर नेशन। आर्टिकल 14 एग्जैक्टली बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में, जिसमें रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना या किसी एक रिलीजन को फेवर करना इज़ अगेंस्ट द लॉ। और ये जो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट है ये एप्लीकेबल है दोनों सिटीजन्स पे और फॉरनर्स पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा को ये ठेस पहुंचा रहे हैं। ऑल्सो ये कहा गया है कि बहुत सारे पर्सिक्यूशन श्रीलंका से भी देखे गए हैं। तमिल्स जो कि श्रीलंका में फंसे हुए हैं उनके साथ भी पर्सिक्यूशन हो रहा है उस कंट्री में। रोहिंग्या मुस्लिम्स उनके साथ भी पर्सिक्यूशन हो रहा था
म्यांमार में, बट वो क्यों इस टॉपिक पे इस CAA में कवर नहीं किया है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो CAA को चैलेंज करते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस CAA। अगर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है, इट इज़ हर्टिंग द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस एक्ट की ज़रूरत क्या है। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, राइट? इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट एंड अ सॉवरन रीजन। सेक्युलरिज्म एंड सॉवरनिटी विच वर एडेड इन 1976 इज़ कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इज इट्सेल्फ अ वेरी बिग टर्म। तो अगर कोई भी एक्ट बनता है जो इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट जाता है, हमारी सेक्युलरिज्म की भावना को ठेस पहुंचाता है, तो इन माय ओपिनियन इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू रीटेक। This is purely my opinion. You can comment below your opinion about this topic. It will surely help you in your SSB. So, this is the end of our topic. Hope you liked it. I'll see you guys in next series. Tab tak ke liye, thank you and Jai Hind.